काले लोग दुनिया रंगीन, हरामी लोग सस्ते सोख। हाँ तो क्या हाल, बढ़िया सब यार। काफी दिन हो गए हमने किसी एयरबड्स की अनबॉक्सिंग नहीं की है, तो हम आज एक एयरबड्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका नाम है M19। तो इसका पूरा नाम तो खैर बहुत ज्यादा लंबा है, M19 एयरबड्स प्रो प्रो नोवा M90 एयरबड्स स्विस बड्स 5.1 ब्लूटूथ वर्जन है। चलिए मतलब इसको पढ़ के नहीं सुनाते, इसको थोड़ा खोलते हैं, उसके बाद इसकी कुछ बातें करते हैं कैसा है देखने में। वैसे इसमें कोई क्या प्लस पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ खास प्लस पॉइंट है इस एयरबड्स में, कुछ तो खास है। तो हम देखते हैं, खोलते हैं, फिर वो चीज बताता हूँ आपको, खास चीज है क्या। प्रीपेड ऑर्डर है, यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं है, इसे खोलते हैं और फिर आपको इसकी प्राइस बताता हूँ, यहाँ कितने का पड़ा है। ठीक है, करते हैं इसे ओपन। लेकिन आज की चीज है, अलग अलग टूल हम कब तक यूज करेंगे। तो इसकी बात की जाए, बॉक्स निकला है हाथ में, देखिए चला निकाल लेते हैं, इनको ऐसे करके फोड़ लेते हैं, कुछ तो फायदा उठा लेते हैं इसका आने का। चलो रेंदर है बहुत भी। तो ये देखिए इसका बॉक्स कुछ ऐसा है, इसमें लिखा है न्यूज क्या लिखा है पता नहीं, डिजिटल इंडिकेटर ट्रू वायरलेस हैज सेट हेडसेट ब्लूटूथ वर्जन 5.1 बीटी वायरलेस। इधर लिखा है कॉल म्यूजिक अल्ट्रा स्मॉल ट्रू वायरलेस स्टूडियो फास्ट चार्ज वायरलेस रेंज है जो 10 मीटर की बताई गई है। चार्जिंग टाइम अबाउट 2 आवर्स, स्टैंड वाइड 280 घंटे, म्यूजिक प्ले अबाउट 5 घंटे, आउटपुट 5 वोल्ट 1 एम्पियर। और इधर कुछ भी नहीं है, मेड इन चाइना लिखा है, इधर भी मेड इन चाइना लिखा है बस। तो इसको ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं, इसको खोल ही लेते हैं हम। ठीक है, तो किधर से इधर से खोलते हैं, इसकी पन्नी चढ़ी हुई है जो कि सील पैक है, इसको हटा लेते हैं। वैसे इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है। ओके ठीक है, तो वैसे इसकी प्राइस की हम बात कर लेते हैं, तो ये हमको पड़ा है 690 रुपये का। वैसे ये आपको इतना हाई प्राइस नहीं मिलेगा काफ़ी जगहों पर, लेकिन हमें जो सबसे हाई प्राइस में ले लिया है वो हमारी गलती थी। आपको सेल के दौरान काफ़ी सस्ता मिल सकता है, 500 रुपीज़ तक में मिल सकता है। वैसे इसके अंदर फंस गया है, इसमें तेल लगा के देना चाहिए, तो मतलब कुछ चीज़ें तो कम से कम आसानी से निकल जाए यार। ठीक है, निकल आया हमारा बॉक्स। वैसे हमने स्कूल को खोल लिया, उल्टा खोल लिया। तो ठीक है, उल्टा खोला तो कुछ फायदा हुआ था हमको, कुछ चीज़ें सामने देखने को मिल गई हैं, जैसे कि ये देखने को मिल जाती है हमको माइक्रो नहीं टाइप सी है, टाइप सी केबल विथ USB टाइप सी केबल देखने को मिल गई है हमें इसमें, वो सही है माइक्रो USB की जगह, माइक्रो USB की जगह। तो इसमें मिल जाते हैं हमको 4 रबड़, 2 छोटे और 2 बड़े। और इसको सीधा कर ले और इसमें अंदर फूकते हैं, सीधा हो जाएगा। अच्छो ये हो गया सीधा। तो देखिए यहाँ पे मिल जाते हैं हमको दो एयरबड्स ट्विंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हाँ जो भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़े अल्लाह हल्के ही रहेंगे वैसे तो। ठीक है, इधर कुछ टच करते हैं, कुछ हुआ कुछ नहीं हो रहा है, लगता है डिस्चार्ज है। इसको निकाल लेते हैं, इसका केस है, इसका हमें कवर मिल देखने को मिल जाता है ऊपर की साइड, इसको हटा लेते हैं। खोल यार भाई, अभी तो खोलना नहीं। तो ये देखिए ब्लैक ब्लैक सी प्लास्टिक है, क्या है मालूम नहीं। इधर भी थोड़ा स्मूथ स्मूथ सा है, इधर एक बटन, इधर है इसका टाइप सी पोर्ट, इधर एक लाइट, और ये दोनों इसकी ज़्यादा बड़े बेनिफिट है, एक तो लाइट और एक ये जो कि कभी कभी हमारे काम में आ सकती है। और यहाँ पे मिल जाता है वो लटकाने के लिए कुछ दौड़ा डोरी बांध लीजिए, मतलब रस्सा रस्सी। इधर मिल जाती है हमको एक स्क्रीन, इधर मिल जाते हैं दोनों लगाने के लिए हमको। ये कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे मुझे लगता है, ऐसे लगेंगे यार, अच्छा ऐसे लगेंगे। ठीक है, तो 100% चार्ज है केस, और ठीक है इसको लगा लेते हैं इधर, ये लग जाते हैं दोनों ऐसे, ये वाला भी चार्ज होने लगा। ये देखिए यहाँ पे जो लाइट है वो ऑन हो गई है, दोनों में के दोनों चार्ज हो रहे हैं। ये लिखा है बी लाउड क्यों लिखा हुआ है इधर, ये देखिए यहाँ पे राइट का इंडिकेटर है तो राइट लिखा हुआ है, लेफ्ट वाले पे लेफ्ट लिखा हुआ है, इधर 100% चार्ज लिखा हुआ है, इन दोनों का बैटरी परसेंटेज नहीं बता रहा है अभी फिलहाल के लिए। और इसको बंद कर देते हैं यदि हम, तो ठीक है बंद तो कर दिया हमने, लेकिन ये डे में तो कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख, ठीक है हाँ है ट्रांसपेरेंट आंखों से तो देख पा रहा हूँ फिर मैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए गेट बंद करना पड़ा मेरे को, क्योंकि जैसे हमारा मोबाइल है ना वो कचरे के जैसा मोबाइल है, तो उसमें साफ ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, इसको खोल लेते हैं हम, तो आपको काफ़ी अच्छे क्लियर से दिखेंगे। ठीक है, इनको बाहर निकालते हैं, वैसे ये दोनों ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, दोनों में लाइट जल रही है, अभी तक कनेक्ट नहीं है, इसलिए वापस हम इसको डालते हैं, तो वापस चार्ज लग जाते हैं। जैसे सही डाला है, इसको भी डाल देते हैं। देखिए इसकी इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है, दोनों पे बी लाउड बी प्राउड लिखा जाता है। अच्छा ये वाला बंद हो गया भाई, अच्छा जब जब कर रहा है मतलब हाथ रख लेते हैं तो क्या होता है, बंद होता है नहीं, इसको बंद करते हैं तो बंद नहीं होता है यदि इसको यहाँ पे नहीं, उसका काम ही है ये जब जब करना। इनका बढ़िया लुक है भाई, इस केस का बढ़िया लुक है, यहाँ पे जो हमें बैटरी मिल जाती है वो चल रही है, और भाई काफ़ी ब्राइट है यार। ठीक है, इसका ब्राइटनेस कैसे बताऊँ फिर, ये वाली देखिए लाइट कितनी ब्राइट है, जो कि काफ़ी बढ़िया लाइट है यार, इमरजेंसी लाइट बोल सकते हैं इसको, टॉर्च की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नोट प्रॉब्लम, एनी चीज़ करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमारी इंग्लिश की माँ चुड़ी पड़ी रहती है। तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है, जो कि हमारा मोबाइल बार बार ब्लर कर रहा है, भाई फोकस कर लिया कर यार कभी कभार तो, और जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है केस इसका। इसमें एक पोर्ट और मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ये इसमें USB लगा लो, और उसके बाद अपना माइक्रो USB है टाइप सी जो भी आता है आपके पास, इससे किसी चीज़ को चार्ज कर लो आप चाहो तो, आपके हाथ में ये नहीं करना है तो मत कीजिए। वैसे 2000 mAh की इसमें बैटरी मेंशन की गई है, 2000 mAh की इसके अंदर बैटरी डली हुई है। इसको कनेक्ट कर लिया हमारे मोबाइल से, और मैंने इसकी फुल लाउड साउंड सुन रहा है, बहुत तेज साउंड आ रही है बाहर, मेरे को मालूम नहीं मैं कितनी तेज बोल रहा हूँ, लेकिन इसका साउंड बहुत तेज आ रहा है। और ये जो है टच से मैं एक बार बंद कर लेता हूँ, टच है एक बार टच कर लीजिए बंद हो जाएगा, एक बार टच कर लीजिए चालू हो जाएगा, और शायद मेरे को लगता है सॉन्ग चेंज करने के लिए इसको इधर से टच करना रहता है,
चेंज हो गया भाई, पता नहीं 2 महीने 3 महीने लेकिन सॉन्ग चेंज हो गया। आगे वाला चला सॉन्ग या पीछे वाला चला लेकिन सॉन्ग जो चेंज हो गया है। और स्मूथ टच है, मतलब कोई हाई टच नहीं है। सिंगल टैप किया, सिंगल टैप फिर करता हूँ, चालू हो गया। 3-4 बार कर दिया इस बार तो मैंने टच, जो ज़्यादा टच करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, या तो 1 करो या 2 करो, बदला रहा है साउंड वो काफ़ी अच्छे से भाई, बहुत सही मतलब सही सही काम कर रहा है यार वो। साउंड क्वालिटी की बात करें तो बेस्ट तो मतलब वही बहुत तेज साउंड है। मैं तो बोला था कि इसका बेस तो ठीक है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया, लेकिन हाई क्वालिटी का बेस नहीं मिल सकता, उसमें नॉर्मली बेस मिलेगा। और बाकी साउंड काफी तेज है भाई, एक बात बोलूं तुम्हें, साउंड काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को इस प्राइस में भी। 690 के हिसाब से भी काफी बढ़िया है, जब इससे कम मिल जाता तो और सही चीज है भाई साउंड के मामले में। इसकी बैटरी सिस्टम करेंगे तभी आपको बता पाएंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते हम। और देख लीजिए आप लोग प्राइस भी कैसा लगता है, आसानी से मेरे कानों में फिट आ रहा है, मीडियम रेंज के कान है मेरे, ना ज्यादा बड़े हैं ज्यादा ना छोटे हैं, काफी बढ़िया से आ रहा है। और इसकी बात की जाती है इसमें अभी फिलहाल के लिए कुछ इंडिकेटर लाइट नहीं जलती, लेकिन जब तक कनेक्ट नहीं होता है रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक करती रहती है। दोनों में ही हमको माइक का मिल जाते हैं, दोनों में नहीं मिलते, हाँ ठीक है दोनों में ही माइक मिल जाते हैं। और टच सेंसर दोनों में डले हुए हैं, दोनों का अलग अलग काम है भाई, इधर से टच करो इधर का काम होंगे, इधर से टच करो इधर का काम होंगे, पता नहीं लेफ्ट से गाने पीछे जाएंगे राइट से आगे बढ़ेंगे, ऐसे कुछ रहता होगा यार इनका। और क्या रहता होगा फिर, जैसे हमारा बिल्कुल नहीं रहता, वैसा ही रहता होगा इसका भी। तो क्या चीज बची हमारी, इसको नहीं लगाता हूँ यहाँ पर, और चल जाते हैं साउंड इधर से इधर बचते हैं, फुल साउंड कर रहा, एक नंबर साउंड है भाई इसका। अब इसका बैटरी टेस्ट करना है हमको, और इसका भी बैटरी टेस्ट करना है। वैसे क्या बताऊँ भाई, इसको इधर से भी चार्ज लगा देंगे, 100% चार्ज करेंगे, और फिर मोबाइल चार्ज करके देखेंगे। हमारे 4000 एमएच की बैटरी है मीटर, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है मोबाइल, इतना नहीं करता, बहुत पुराना मॉडल है, 2018 का मॉडल है, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते, इसलिए 10 वोल्ट सपोर्ट करता होगा, मेरे को सही से मालूम नहीं है इसका मोबाइल का मेरे का, इतनी करता होगा यहाँ तक। तो फिर हम टेस्ट कर लेंगे, हम इसकी बैटरी टेस्ट करते हैं, आपको फिर बताते हैं। अभी फिलहाल के लिए टाइम लगा बैटरी टेस्ट करने में, उसके बाद जो बच्ची हुई वो बात निकाल लेते हैं इसके बारे में क्या। लगभग 2 से 3 दिन लगे हैं, 2-3 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। मैंने इसको पूरी तरह से टेस्ट कर लिया है कि इसकी बैटरी हो, ये डब्बे की, चाहे एयरफोन की बैटरी हो, चाहे उसके अंदर जो पावर बैंक कैपेसिटी हो उसकी बात की जाए, चाहे ये जो टॉर्च चलती है इसकी बात की जाए, इन सब की बैटरी कितनी देर चलेगी, और इसका साउंड मतलब कितने पे रहना चाहिए जब जाके थोड़ा सही रहेगा, और मतलब क्या क्या नेगेटिव बात है और क्या क्या अच्छी बात है, सब कुछ मैंने इसकी जान ली। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं डब्बी की चार्ज होने की। ये डब्बी चार्ज होती है भैया, गलत बात है, 2 घंटे में नहीं होती, क्योंकि मेरा 5 वोल्ट का चार्जिंग है, उससे 2 घंटे में नहीं हुई, ये हुई लगभग 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में चार्ज हुई EMI का चार्जिंग, जो 5 वोल्ट का है, और 5 वोल्ट का ही सपोर्ट चाहिए होता है। और अब डब्बे की बात हो गई, अब बात रही इस लाइट की, जो कि इसको चार्ज होने के बाद फुल इसको चार्ज किया 100% पूरी यूज़ करना चाहते हैं तो ये चलेगी 3 घंटे तक लगातार ये वाली लाइट। और इसके बाद बात आती है इसको मोबाइल चार्ज करने की, तो मेरा जो मोबाइल है वो है एमआई रेडमी नोट 5 प्रो, जिसकी बैटरी एमएच है 4000 एमएच, और इसको इसने चार्ज किया था 20% 100 होने के बाद, पूरा खत्म हो गया था फिर 100 होने के बाद ये 100% ये चार्ज है, तो इसको चार्ज कर लेगा 20% तक ये। अब बात करते हैं एयरबड्स की, तो ये अपन यदि अपन 70-60% पे इनको रखते हैं तो ये काफ़ी चल जाते हैं, लगभग ये चल जाते हैं अपने 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे 40 मिनट ऐसे चलते हैं भाई, पूरे 2 घंटे नहीं होते। यदि इनको पूरे लाउड पे चलाएंगे, पूरे लाउड पे इतना तेज आवाज़ इसका जो कि कानों में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत खराब रहेगा, पूरे लाउड पे चलाएंगे कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा इसको। यदि आप 60-70% के वॉल्यूम स्तर पर चलाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी और बैटरी के लिए भी, कभी कभी 2 घंटे भी टच कर लेगी, कभी कभी 1:40 पे 1:50 पे भी बंद हो जाएगी भी इनको फुल चार्ज करेंगे तो। और इसका जो कनेक्टर मतलब इसका जो परसेंटेज का जो आइकन है जो कि ये वाला है, ये थोड़ा सा कभी कभी हैंग हो जाता है, तो कभी अटक जाता है, लेकिन फिर से ठीक हो जाता है, फिर सही परसेंटेज बताने लगता है, फिर एकदम पूरा माइनस चल जाता है, फिर एकदम पूरा बढ़ जाता है, ऐसा मतलब थोड़ा हैंग होता है, क्योंकि देखिए प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहूंगा यार मैं, क्योंकि काफी कम प्राइस है और काफी बढ़िया चीज़ है, मतलब ऐसा खराब नहीं होता। इसको चार्ज लगा के अपनी जो पॉकेट की जेब में उसमें रख के चले तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये बार बार चार्ज हिट जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे गैप है, जो वाला गैप है ना इसमें यदि इसको यहाँ पे रखते हैं अपन, देखिए इनको यूँ रखेंगे अपन, तो ये कभी कभी उचक के यहाँ छोड़ जाता है मैगनेट, मैगनेट इनका थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, कभी कभी यदि आप भागते हैं या कहीं भी थोड़ी तेज चलते हैं तो ये दोनों एयरबड्स से जो कि इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से चार्ज नहीं हो पाते हैं। बस यही था सबका बेटर, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल, कानों में भी हल्का हल्का सा कभी कभी दर्द होने लगता है, यदि आप ज़्यादा देर तक लगा के रखते हो तो यहाँ पे दर्द होने लगता है कानों में, तब देखिए आदत पड़ जाती है, मेरी आदत नहीं है इन चीज़ों को लगातार लगाने की, हो सकता है इसलिए मैंने यूज़ कर रही है लगातार यूज़ किया टेस्टिंग के चक्कर में, इसलिए मेरे को कानों में दर्द होगा, बाकी बाकी सब बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बाकी सब सही है और कोई भी प्रॉब्लम है नहीं यार, ये सही बताओ तो। बी लाउड बे प्राउड इस पे जो लिखा रहता है लेफ्ट राइट में दोनों एयरबड्स, जब अपन इसको चार्ज लगाते हैं तब, और अंधेरे में हमने इसको देखा है बैटरी को काफ़ी बढ़िया उजाला देती है, इसको बोल सकते हैं इमरजेंसी टॉर्च, इसको बोल सकते हैं इमरजेंसी पावर बैंक, इसको एयरबड्स तो बोल ही सकते हैं खैर, मतलब ये ना एक तरह से 3 in 1 का काम कर देती है ये भाई, कतई बढ़िया चीज़ है, 3 in 1 का काम करती है ये, मतलब बहुत सही चीज़ है 3 in 1 का काम करती है, इसीलिए बाकी इन दोनों को इससे इससे नहीं बोला कि बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसमें जो एयरबड्स है उनका साउंड है इसकी वजह से नहीं बोला, साउंड तो है लेकिन भाई ये इमरजेंसी लाइट है और बाकी मोबाइल को रिचार्ज करती थी उन सभी चीज़ों की वजह से बोला कि ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पसंद आए तो खरीद सकते हो। मेरी इसको रेटिंग जाती है 4.7 की, मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है इसका साउंड, जो कि काफ़ी दिनों तक मैंने टेस्ट किया लगातार, अब मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो भाई क्या है कि जो भी मैं करता हूँ, जो भी अनबॉक्स करता हूँ, वो आप लोगों के लिए करता हूँ, आपको समझ में आए क्या चीज़ें कैसे, मतलब सब कुछ आप ही के लिए, तो मुझे इसको टेस्ट करना तो बनता है। देखो चलिए अब इनकी टेस्टिंग खत्म, रिव्यू हुआ खत्म, अपनी अपनी जगह पर सभी को रख दूंगा पैक करके, क्योंकि मैं एयरबड्स का बहुत कम यूज़ करता हूँ, कानों में पता नहीं भाई का दर्द होता है, बाकी मैं वो जो ब्लूटूथ रहती है उसका यूज़ कर लेता हूँ और एयरफोन का यूज़ कर लेता हूँ, बाकी ब्लूटूथ इन एयरबड्स का काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, पता नहीं भाई हल्का हल्का सा दर्द होता है मेरे कानों में, तो यार रहने देते हैं, बहुत लंबा बोल दिया,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक करना तो आपका मन कर दीजिए। गुड बाय एंड जय।